50 वर्षों बाद नूरपुर नगर परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। पहली बार नूरपुर नगर परिषद में 9 वार्डों में सभी पार्षद युवा हैं और सभी के सभी पहली बार पार्षद चुनकर आए हैं। नवनियुक्त सभी पार्षदों ने प्यार व सहयोग के लिए वार्ड नंबर 9 के लोगों का आभार व्यक्त किया है। नूरपुर नगर परिषद चुनावों में पहली बार 50 वर्षों बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है। कई युवा व नए उम्मीदवारों ने कांग्रेस के किलों को ध्वस्त किया है। यहां तक कि नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन के घर वार्ड नंबर 2 में भी भाजपा सेंध मारने में सफल हुई। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 9 में नगर परिषद अध्यक्षा रही कृष्णा महाजन को बराबरी की टक्कर देकर रोका गया। दिलचस्प व बराबर रहे मुकाबले में पर्ची द्वारा निकाले गए परिणाम में भाजपा समर्थित उम्मीदवार शिवानी शर्मा को जीत हासिल हुई। शिवानी शर्मा ने पहली बार वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़े हैं। पहली बार नूरपुर नगर परिषद में 9 वार्डों में सभी पार्षद युवा हैं। वार्ड नंबर 9 की नवनियुक्त पार्षद शिवानी शर्मा ने कहा कि उन्हें पार्टी द्वारा नगर परिषद चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 9 के लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से वे जीत पाई हैं। शिवानी ने सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे दिन रात लोगों की सेवा करेंगी और सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहेंगी। देखिए जी, सबसे पहले तो हम जुड़े थे पार्टी से, तो जैसे ही पार्टी का आदेश हुआ कि आपको इलेक्शन लड़ना है, उसके बाद हमने नॉमिनेशन फाइल करने से पहले पूरे बाड़ में हम घूमे, लोगों की राय ली, तो लोगों ने हमारी काफ़ी हौसला अफजाई की। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें बहुत ज़्यादा रोष था, क्योंकि उनके कुछ ऐसे काम थे जो पिछले 25-30 सालों से हुए ही नहीं थे, और वो लोग जो हालत उनकी पहले थी वही आज भी बनी हुई थी। तो उन लोगों ने हमारी काफ़ी हौसला अफजाई की और हमें कहा कि जी आप आइए और हम आपका पूरा साथ देंगे। तो उन लोगों की हौसला अफजाई के चलते ही हमने निर्णय लिया, नॉमिनेशन फाइल किया। वार्ड नंबर 9 गढ़ रह चुका था, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात थी कि गढ़ रहने के बावजूद लोगों ने हमें उनकी बराबरी तक पहुंचाया। उसके बाद तो हमने एक ब्रिजराज स्वामी जी को ही माथा टेक के कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा, पर फैसला जो था वो हमारे हित में ही था। देखिए, हम पूरे बाड़ में घूमे इलेक्शन के दौरान और हमने जितनी भी लोगों की समस्याएं थी वो इस डायरी में लिखी हैं। लेकिन हमारे जो वन मंत्री जी हैं आदरणीय श्री राकेश पठानिया जी, उन्होंने हमें कहा है कि फर्स्ट जो मोस्ट प्रायोरिटी वाले काम हैं वो हमें बताए जाएं। तो सबसे पहले तो मैंने जो डिसाइड किया है कि वो जो सिल्क फैक्ट्री का जो रोड है, बड़ी गंदी हालत है उसकी, सबसे पहले उसको रिपेयर किया जाएगा। और उसके बाद जो है, जो युवाओं के लिए हमने एक ग्राउंड की व्यवस्था मांगी है वो किया जाएगा, और बाकी काम जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि इस डायरी में जितनी भी समस्याएं हमने लिखी हैं ड्यूरिंग जब भी हमने कैंपेनिंग की, तो वो सारी समस्याएं पूरी करने की कोशिश करूंगी। और उसके अलावा भी अगर मेरे जो बाढ़ के लोग हैं जिन्होंने मुझे बहु नहीं बेटी समझकर जिताया है, अगर उन लोगों की कोई भी समस्या है तो वो कभी भी मेरे घर आ सकते हैं, मेरे द्वार उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।